हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन है वो मंगलमय रहे। अब हम चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ यहाँ पे आई है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019 के बारे में। देखो, न्यूज़ यही है कि नीति आयोग ने भी 2019 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है वो रिलीज किया है। तो पहला फेक तो यहीं पर बन जाता है कि ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है। अब बात की जाती है कि ये इंडेक्स है वो क्या काम करेगा। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने 2015 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ 17 टारगेट रखे थे। उन टारगेट को अचीव करने के लिए सभी गवर्नमेंट हैं वो अपने लेवल पे काम कर रही होती हैं। मतलब हर एक कंट्री वो अपने लेवल पे काम वो लगातार कर रही है। अब बात ऐसी कि भाई इंडिया में जो स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैं उन्होंने सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल पैरामीटर के आधार पर कितना काम किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए, ये यहाँ पे इवेल्यूएट है वो किया जाता है। ये जो इंडेक्स है वो इंडिया में पहली बार रिलीज़ किया गया था 2018 में। नीति आयोग ने इसको रिलीज़ किया था, ध्यान रखना, 2018 में इसको जारी किया गया था। अभी इसका सेकेंड एडिशन है वो जारी किया गया है क्योंकि 2019 में सेकेंड एडिशन आया है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नीति आयोग और जो यूनाइटेड नेशन है उन दोनों की हेल्प से इसको जारी है वो किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन के जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की तरफ यहाँ फोकस है वो किया जा रहा है। अब बात ऐसी है कि इंडिया के अंदर जितने स्टेट वगैरह हैं क्या क्या उनके टारगेट वगैरह हैं वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो, लगभग 100 तो इंडिकेटर हैं। यूनाइटेड नेशन ने टोटल 306 इंडिकेटर रखे थे, उसमें से 100 इंडिकेटर को यूज़ करते हुए इंडिया अपने 54 टारगेट हैं वो तैयार किए हैं और उनकी दिशा में लगातार प्रयास यहाँ पे है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पहली रिपोर्ट थी वो 2018 में जारी है वो की गई थी, उसमें 13 गोल रखे गए थे और 39 इंडिकेटर थे उनका यूज किया गया था। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में जो स्टेट हैं इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। देखो, केरला है वो नंबर 1 रैंक पे रहा है और केरला ने जो स्कोर अचीव किया है इसमें आउट ऑफ 100 वो रहा है 70। मतलब केरला ने सबसे अच्छा स्कोर किया है और केरला लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव करने की तरफ कार्यरत है। अब बात आती है कि सेकेंड नंबर पर रहा वो रहा है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पर रहा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि सेकेंड नंबर पे कौन हिमाचल रह गया है, थर्ड पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और तेलंगाना है, वो तीन है। मतलब थर्ड नंबर पे तीन स्टेट हैं, आंध्र, तमिलनाडु और तेलंगाना। अगर हम बात करें यूनियन टेरेटरी की तो चंडीगढ़ है वो सबसे अच्छी रैंक है। चंडीगढ़ को सबसे अच्छा स्कोर मिला है, 70 स्कोर है वो चंडीगढ़ का रहा है। ये उस सबसे अच्छा काम वो किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें और अदर स्टेट की तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम है, इन्होंने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। मतलब अगर हम बात करें कि भाई पिछले साल जो हालत थी और इस साल की हालत में इंप्रूवमेंट देखें तो सबसे अच्छा ज़्यादा जो इंप्रूवमेंट आया हुआ है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम वाले में। बट गुजरात में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं मिला है। गुजरात की जो पोजीशन लास्ट ईयर थी वही पोजीशन इस साल रही है, मतलब वो अपनी उसी पोजीशन पर मेंटेन है। सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है, उसकी पोजीशन है वो सबसे बेकार रही है। उन्होंने बहुत ही ख़राब काम किया है या इतना अच्छा काम नहीं किया जितना अदर स्टेट ने किया है। इसके बाद में बात ये आती है कि इंडिया का जो कंप्लीट भाई स्कोर है वो क्या रहा है। देखो, पिछले साल जो इंडिया का स्कोर था वो था 57 2018 में और इस साल बढ़ गया, हो गया है 60 ऑन एन एवरेज। तो इसमें जो सैनिटेशन है, इंडस्ट्री और इनोवेशन ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंडिया को रिजल्ट देखने को मिला है। इनकी इंडिया की जो स्टेट हैं उन्होंने सैनिटेशन, इंडस्ट्री और इनोवेशन वाले एरिया में काफ़ी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ आई है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के बारे में। न्यूज़ ये आई है कि अभी लेटेस्ट एडिशन है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का, वो आयोजित किया गया है केरल के थिरुवनंतपुरम में। थीम इस बार की रही है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। अब हम थोड़ा ये जानते हैं कि ये है क्या नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। देखो, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है ना, वो हमारे देश में जो बच्चे हैं जिनकी अगर हम बात करें 17 साल तक की जो एज के बच्चे हैं, यानी कि 10 से 17 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे, सभी बच्चे इस कांग्रेस में पार्टिसिपेट या इस कांग्रेस का एक हिस्सा है वो बन सकते हैं और इवन वो हिस्सा होते ही हैं। ये जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है ये एक नेशनल वाइड साइंस कम्युनिकेशन प्रोग्राम है। मतलब साइंस के बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए 1993 में इसके निर्माण है वो इस कांग्रेस का किया गया था। ये जो प्रोग्राम है वो क्या करता है, हमारे देश में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा इस प्रोग्राम को अंजाम है वो दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 10 से 17 साल के जितने भी बच्चे हैं वो इसके एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इस एग्जीबिशन वगैरह में या भी जो सिम्बल प्रोग्राम होता है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
फोकस किया जाता है कि साइंस की हेल्प से हमारे देश में या जो भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है उनको एड्रेस है वो किया जा सके। मतलब साइंस के बारे में लोगों को अवेयर करवाने, बच्चों को अवेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, उनके मन में जिज्ञासा है उसको डेवलप किया जा सके। इसके लिए इस कांग्रेस का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिल रहा है। अब हम कुछ एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पे जो संस्था है या बात करें नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है वो स्प्रेड करती है। इसी के साथ ही हमारे देश में जो गवर्निंग स्कूल कॉलेज वगैरह हैं वहाँ पे साइंस के बारे में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी गवर्नमेंट को जैसे गाइडलाइन वगैरह देनी हो तो वो इसके द्वारा डिसाइड की जाती है। इसी के साथ ही स्टेट और यूनियन टेरेटरीज में जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम है वो इस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो एक तो मेंबर ध्यान रखना, कौन इसका मेंबर होता है, मतलब कितनी एज तक के बच्चे हैं, काम क्या है इसका। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। देखो ये जो एक पोर्टल है, पहली बात है नहीं क्या ये एक वेबसाइट बनाई है गवर्नमेंट ने। ये वेबसाइट गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई है कि भाई हमारे देश में फ़ोन काफ़ी चोरी होते हैं, तो जो चोरी हुए फ़ोन है या फिर जो इलीगल फ़ोन जो कि मेन स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं उनको हटाने के लिए और एक ट्रांसपेरेंसी रह सके सेक्टर में, इसके लिए इस वेबसाइट का निर्माण है वो किया गया है। ये क्या करेगा, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो रजिस्टर है वो चोरी हुए फ़ोन है, जो भी फ़ोन खो गए हैं उनको ब्लॉक करना हो, उनको ट्रैक करना हो, ऐसे काम है उनको अंजाम देने वाला है। इससे पहले जो ऐसा पोर्टल है ये जारी किया गया था मुंबई में, मतलब मुंबई में इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी, अभी दिल्ली में इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है। काम क्या है वो मैंने आपको बताया कि कोई भी चोरी हुआ फ़ोन है उसको ब्लॉक करना हो, डाटा के बारे में कुछ किसी भी तरीके से डाटा को अनलॉक लॉक वगैरह करवाना हो या फिर इरेज डाटा, काफ़ी सारे जैसे ऑप्शंस आते हैं, ट्रेस वगैरह करवाना हो फ़ोन को पुलिस वगैरह की हेल्प से, अनब्लॉक करवाना हो अगर कोई फ़ोन चोरी करवाया था बट वापस मिल गया तो उसको अनब्लॉक कराना हो, ऐसे सारे जो काम है वो इस पोर्टल के द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बुदापेस्ट कन्वेंशन। देखो बुदापेस्ट कन्वेंशन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक पहली ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि इंटरनेट और कंप्यूटर जो क्राइम है यानी कि हम बात करें कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए नेशनल लेवल पे लॉ वगैरह को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई थी। काम क्या है बुदापेस्ट कन्वेंशन का, साइबर क्राइम को काउंटर करने के लिए आई थी। पहली ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि साइबर क्राइम को लेकर डील है वो करने वाली थी। काम मैंने आपको बता दिया है कि जो भी नेशनल लॉ वगैरह होते हैं ये इसको इम्प्लीमेंट करना हो, टेक्नोलॉजी वगैरह है अच्छी, इन सब को लेके काम है वो है करती है। इसी के साथ स्टेट में जो अदर कंट्रीज़ हैं इनके बीच में आपस में कोऑपरेशन वगैरह करना हो, साइबर सिक्योरिटी को लेके, वो सारे काम इस कन्वेंशन के थ्रू किए जाते हैं। अभी बात यह है कि ये जो बुदापेस्ट कन्वेंशन है ना वो काउंसिल ऑफ यूरोपियन स्टॉक है उसके द्वारा, इसी के साथ फ्रांस है उनके द्वारा इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि इंडिया इसका मेंबर है वो नहीं है, बस आप ये चीज़ क्लियर रखना कि बुदापेस्ट कन्वेंशन में इंडिया ने पार्टिसिपेट है वो नहीं किया है। अगर हम बात करें तो इसके ऑब्जर्वर स्टेट है उसमें कनाडा भी है, जापान है, साउथ अफ्रीका है और यूएसए है। अभी तक ये रेक्टिफिकेशन की अगर बात करें तो 64 कंट्री जब इसको साइन कर देती हैं तब ये रेक्टिफिकेशन एक्टिव फॉर्म है वो आ जाएगी। न्यूज़ देखो अभी आई थी कि रशिया है वो भी साइबर क्राइम से निपटने के लिए अपनी खुद की कन्वेंशन है उसको लेके आ रहा था, तो आपस में यहाँ पे कंपेयर है वो किया गया था, तो हमें बुदापेस्ट कन्वेंशन के बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में। देखो मर्चेंट डिस्काउंट रेट पहली बात तो है कि लगता क्या है और होता क्या है। देखो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ना वो मर्चेंट पे लगता है, व्यापारी पे। और कौन लेता है इसको, इसको लिया जाता है जो भी आपको बताओ, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे आप कोई भी संस्था 24x7 या कोई भी स्टोर गए तो वहाँ पे जो POS मशीन होती है जिसपे हम कार्ड स्वाइप करते हैं वो मशीन जिस बैंक के थ्रू मिली हुई है वो बैंक वाला भाई कुछ ना कुछ तो चार्ज लेगा ना, फ्री में तो देने वाला है नहीं व्यापारी को कि भैया आप रख लो, तो मतलब कुछ ना कुछ उसका चार्ज लगेगा ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए, कोई ना कोई नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो जो चार्जेस होते हैं उनको कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और ये व्यापारी पे करता है कस्टमर नहीं पे करता, ये ध्यान रखना कि आपको UPI से पूछ ले कि ये कस्टमर के थ्रू पे किया जाता है, नहीं ये ट्रेडर या हम बात करें जो व्यापारी होता है मर्चेंट होता है उसको पे करना होता है बैंक वाले को कि हाँ भाई मैं आपकी फैसिलिटी यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं उनको लेके कुछ ये अमाउंट होता है लगभग 0.012% के समथिंग ये रेट है वो चेंज घर होती रहती है, तो ये ध्यान रखना UPSC इसके बारे में पूछ सकती है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो क्या है। बाकी देखो ये और ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट है क्या, किस पे यह लगता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के बारे में। न्यूज़ ये आई है कि अभी रिसेंटली जो 80वां सेशन है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का वो कानपुर में केरला में आयोजित है वो किया गया है। अब पहली बात है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है वो है क्या, देखो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1935 में सेटअप है वो किया गया था और एक लार्जेस्ट एसोसिएशन है साउथ एशिया का जो कि हिस्ट्री को लेकर डील है वो करता है, यानी कि
साउथ एशिया के अंदर जो भी प्रोफेशनल हिस्टोरियन है उनका एक बहुत ही बड़ा ये एसोसिएशन है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। इसमें लगभग हम बात करें तो 35,000 के आसपास मेंबर हैं और लगभग 2,000 डेलीगेट्स हैं जिन्होंने इस सेशन को पार्टिसिपेट है वो किया है। मतलब इतने मेंबर हैं और इतने लोगों ने इसको डेलीगेट्स हैं जिन्होंने इसको इसमें जो 20 बार सेमिनार हुआ है, ये कांग्रेस हुई है, इसको पार्टिसिपेट है, आयोजित है वो किया गया है। अब अगर हम बात करें इसका काम क्या है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का मेन काम यही है कि प्रमोट सेक्युलर एंड साइंटिफिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, कि भाई जो हिस्ट्री है ना इसको प्रमोट किया जाए और सेक्युलर और साइंटिफिक तरीके से हिस्ट्री को लिखा जाए, तोड़ मरोड़ के ना लिखा जाए। ऐसा नहीं कि आप कोई अपने स्वार्थों के लिए, अपने मतलब कि कहीं ना किसी को नीचा दिखाने के लिए हिस्ट्री लिख रहे हो हिस्टोरियन वगैरह को, तो एक मतलब ट्रांसपेरेंसी रह सके, हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया जा सके, इसके लिए इसके स्टार्टिंग है या इसका काम है, मतलब इसको इस ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट है वो किया गया था। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आपको न्यूज़ कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए ये है कि मैंने एक आर्ट एंड कल्चर का एक वीडियो बनाया था अलग से, और वो जो दूसरा चैनल है उसका लिंक मैं आपको एक बार यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा तो। और आप उसके बारे में फीडबैक जरूर देना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हम उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम उसको वहीं पर स्टॉप है वो करने वाले हैं। खैर, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है और भी बच्चों से, मैंने काफ़ी जगह उसको शेयर किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि फ़ायदेमंद है, तब हम उस पर काम करेंगे, अदरवाइज़ उसको आगे हम कंटिन्यू वो नहीं रख पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, अब हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019 के बारे में जाना, फिर हमने जो हमारी इंडिया के स्टेट हैं इनकी क्या परफॉर्मेंस दी है उसको कवर किया। इसी के साथ हमने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के बारे में जाना कि क्या है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, इसके साथ इसके जो कुछ फैक्ट थे कि भाई किस तरीके से काम कर रही है, कौन इसके मेंबर होते हैं वो कवर किया। फिर हमने यहाँ पे सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के बारे में जाना, फिर हमने बुदापेस्ट कन्वेंशन को डिस्कस किया, फिर हमने मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और लास्ट में हमने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के बारे में डिस्कस किया। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।